तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से करेंगे, जैसा कि अभी तक हम लोग करते भी आए। फिर जैसे जैसे पैसेज बढ़ेगा, मैंने 4 पैसेज इसमें लिया है और हम लोग प्रयास किया जाएगा कि 4 पैसेज आज हो जाए। फिर कल जो है थोड़ा सा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाया जाएगा सैंपल पेपर का। तो जैसा कि पैसेज आप लोगों के सामने आ चुका है, यहाँ पे कुछ कंटेंट वगैरह दिए गए हैं, कुछ एक एक टॉपिक वगैरह दिया है। अब उसको पढ़ेंगे समझेंगे कि इस टॉपिक में क्या बताया गया है। तो जैसे कि एग्जाम वगैरह के हिसाब से पढ़ा जाएगा, हर एक वर्ड को एग्जाम में समझना नहीं होता। एक होता है ना कि रीडिंग करके बस इसके बाद देखेंगे कि कहाँ से क्या क्या लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, द ग्रेट आचार्य हैव सेड दैट एवरीथिंग डिस्कवर्ड हैज ए ग्रेट सोल, सरेंडर योर सेल्फ टू द गोल एंड एक्ट टूवर्ड्स इफ बाई ड्राइंग योर इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट गोल वेयर बाई यू विल गेट ए न्यू कॉलम ऑफ एनर्जी। डू नॉट अलाउ दिस एनर्जी टू बी डिसिपेटेड इन द फ्यूटाइल मेमोरी ऑफ पास्ट एंड ब्रिंग दैट इंटायर एनर्जी फोकस इन टू एक्टिविटी दैट इज द हाइएस्ट क्रिएटिव एक्शन इन द वर्ल्ड आउटसाइड वेयर बाई द इंडिविजुअल हु इज स्टिल नाउ कंसिडर्ड द मोस्ट इनइफिशियंट फाइंड हिज वे टू द हाइएस्ट अचीवमेंट एंड सक्सेस। दिस कैन बी सेड वेरी इजिली इन ए सेकेंड। इन ऑर्डर टू ट्रेन आवर माइंड टू द एल्टीट्यूड कंसिडर एबल ट्रेनिंग इज नीडेड बिकॉज वी हैव ऑलरेडी ट्रेंड आवर माइंड रॉन्गली टू सच एन एक्सटेंट दैट वी हैव बिकम परफेक्ट इन इम परफेक्शन नॉट नोइंग द आर्ट ऑफ एक्शन एंड वी हैव मास्टर्ड आर्टिस्ट इन डूइंग रॉन्ग थिंग्स द टोटलिटी ऑफ एक्टिविटी विल ब्रिंग द कंटिन्यूटी टू रॉन्ग इन इंडीड इफ ईच वन इज गिवन ए कार टू अचीव एन आइडियल सोशियोलॉजिक पैटर्न एंड नो बडी नो इज ड्राइविंग बट स्टार्ट ड्राइविंग वाट वुड बी द कंडीशन इन रोड। Everybody has equal rights on the public road, then each car will necessarily dash against the other, and there is bound to be jumble. There seems to be very apt pattern of life that we are heading to every one of us is vehicle. We know how to go forward. The point intellect is very powerful and everybody is driving, but nobody knows how to control the mental energy and direct its property or guide it to the प्रॉपर डिस्टिनेशन। तो एग्जाम में हम लोग एक बार बोला जाता है कि हम लोग एक बार ऐसे जैसे मैंने अभी पढ़ा, एक बार हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग का होता है क्या होता है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया भी गया है, तो एक बार हम लोगों ने रीड रीड किया तो हम लोगों को क्या आता है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि एक बार हम लोगों ने रीड किया तो पूरा पैसेज ही हमें समझ में आ गया है। अभी मैंने भी रीड किया तो हम लोगों को क्या समझ में आया कि कुछ ऐसी बातें मेंटल से रिलेटेड कुछ डिस्ट्रैक्शन वगैरह की बातें हो रही हैं, यानी कि मेंटल एनर्जी से रिलेटेड कुछ जो डिस्ट्रैक्शन वगैरह है, ये जो पूरा पैसेज उसी पे है। यानी कि जो हमारा मेंटल एनर्जी जो है अलग अलग दिशाओं में रॉन्ग दिशाओं में डिस्ट्रैक्ट हो रही है, उसको कैसे सही दिशा में लगाया जाए, इसका ये पैसेज यहाँ तक हमें पढ़ने में ये समझ में आया है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग ट्रेनिंग ऑफ आवर माइंड। यानी कि देखिए क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि अगर आपका व्हाट इज क्या इफेक्ट होता है रॉन्ग ट्रेनिंग ऑफ आवर माइंड, यानी कि अगर आप माइंड को गलत तरीके से ट्रेन कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ऑप्शन ए बिकमिंग परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बिकमिंग मास्टर आर्टिस्ट, टेकिंग द कंट्री टू रॉन्ग डेस्टिनेशन, एंड फोर्थ है कैरिंग ऑन एक्टिविटीज विदाउट नोइंग हाउ टू कंट्रोल मेंटल एनर्जी। तो जैसा कि आप पूरा अगर एक बार पैसेज पढ़ेंगे, देखिए मैं एक ओवरव्यू दूंगा कैसे कैसे करना है, क्योंकि इसके बाद आप प्रैक्टिस वगैरह करिएगा। मेरा बताने के ये मतलब रहेगा कि पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है, बाकी आप करिएगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इफेक्ट क्या, अगर आप माइंड को गलत तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन है बिकमिंग परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर आप माइंड को गलत दिशा में यूज कर रहे हैं तो परफेक्ट कैसे हो सकता है। सेकेंड है बिकमिंग मास्टर आर्टिस्ट, मास्टर आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं बन सकता। सी क्या है, टेकिंग द कंट्रीज रॉन्ग डेस्टिनेशन, कंट्री को रॉन्ग डेस्टिनेशन, ये सी इसको भी रख लेते हैं अभी साथ में। और डी क्या है, कैरिंग ऑन एक्टिविटी विदाउट नोइंग हाउ टू कंट्रोल मेंटल एनर्जी। देखिए अभी मैं बोला था ना कि जो पूरा पैसेज है इसमें क्या पूरी बातें हम लोगों को समझ में आए पूरा पढ़ने से, कि अगर आपका माइंड जो है मेंटल एनर्जी गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको उसको एनर्जी को कैसे चैनलाइज किया जाए। ये पूरा जो पैसेज है मेंटल एनर्जी को चैनलाइज के ऊपर है कि उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप जब पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी कि हाँ ये जो ऑप्शन डी है तो सही है, तो क्यों सही है। इसमें क्या बताया गया ऑप्शन डी में, कैरिंग एन एक्टिविटी विदाउट नोइंग हाउ टू कंट्रोल मेंटल एनर्जी। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं कोई भी विदाउट, उसमें नहीं होता कि कैरिंग एन एक्टिविटी विदाउट नोइंग, यानी कोई भी एक्टिविटी कर रहे बिना जाने
हाउ नोइंग हाउ टू कंट्रोल मेंटल एनर्जी, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं बिना जाने, तो इसमें क्या है कि आपका मेंटल एनर्जी का जो है लॉस होता है, जिसे बोलते हैं हास होना, एनर्जी का लॉस होना। तो ऑप्शन ए का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी ऑप्शन है। अभी देखिए मैं नॉर्मली पढ़ के बता रहा हूँ, फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे जैसे कुछ पैसेज ऐसे भी होंगे जिसमें हमें नहीं समझ में आएगा कैसे करना है, फिर उसमें हम कीवर्ड्स का यूज करेंगे, कैसे कीवर्ड्स की यूज किया जाता है। अभी तो मैं नॉर्मली पढ़ के बता रहा हूँ कैसे जो है नॉर्मली हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द सोर्स ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है अकॉर्डिंग टू ऑथर वह क्या है। ऑप्शन ए हाइएस्ट क्रिएटिव एक्शन, ओके। बी क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ माइंड। सी क्या है, इंस्पिरेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट। और डी क्या है, स्टिमुलेशन ऑब्टेंड फ्रॉम ए सेट गोल। अब जैसे इसमें बहुत सारे लोग क्या होंगे, कंफ्यूजन होंगे, कंफ्यूजन में क्या होंगे कि इसमें क्या हो सकता है। तो अच्छा बताइए, स्टार्टिंग में आप लोग जब पैसेज में पढ़ रहा था, स्टार्टिंग में आप देखिए कि गोल की बात हुई है, तो यहाँ से एक आइडिया मिल सकता है कि जिस वर्ड में गोल वर्ड आया है उसके द्वारा हम थोड़ा सा होता है ना कि माइंड लगा कुछ आंसर निकाल सकते हैं। तो डी ऑप्शन में क्या है, स्टिमुलेशन ऑब्टेंड फ्रॉम ए सेट गोल, यानी कि जो है इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द सोर्स ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग जो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, स्टिमुलेशन ऑब्टेंड फ्रॉम ए सेट गोल, यानी कि जब आप कोई गोल सेट करते हैं तो एक स्टिमुलेशन मिलता है, एक आपको मोटिवेशन मिलता है, कि आपको इंस्पिरेशन मिलता है। तो यहाँ से जो गोल वर्ड है यहाँ से हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा खोजने लगेंगे तो हमें पूरा मिल नहीं पाएगा, तो हमें एक वर्ड से जो है ऐसे भी समझ सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं पैसेज में स्टार्टिंग में गोल की बात किया गया है, तो इसका जो सेकंड का जो राइट आंसर वह क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन क्या है, द ऑथर मेन फोकस इन द पैसेज इज, यानी कि जो मेन फोकस ऑथर का पैसेज में क्या है। तो अभी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि जो है यहाँ पे जो बातें बताई जा रही है पूरा मेंटल डिस्ट्रैक्शन के ऊपर है, यानी कि जो मेंटल एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो रही है उसको कैसे चैनलाइज करके राइट डायरेक्शन में लगाया जाए, ये पूरा पैसेज का थीम है, पैसेज ये पूरा बोलना चाह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मेन फोकस इन द पैसेज इज, मतलब आथर का जो मेन फोकस है पैसेज में वह क्या है। ऑप्शन ए फाइंडिंग आउट ए वर्दी गोल इन लाइफ, ठीक, ओके। बी क्या है, रेगुलेशन ऑफ एनर्जी इन प्रॉपर चैनल, ठीक। सी क्या है, स्ट्रगल फॉर इक्वल राइट। और डी क्या है, कार एक्सीडेंट ड्यू टू लैक ऑफ ड्राइविंग स्किल। तो अभी मैंने बताया था कि एनर्जी को रेगुलेशन प्रॉपर चैनलाइज करने की बात हो रही है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ एनर्जी इन प्रॉपर चैनल। आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो खोजेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी पैसेज में लिखा रहेगा। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिख देना होता था, लिखा रहता, तो उसको भी हमें समझना रहता है, क्योंकि यहाँ पे पैसेज में एनर्जी को चैनलाइज करने की बात किया गया है, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। फोर क्या बोल रहा है, द कंट्री में पेरिस पेरिस बिकॉज ऑफ, पेरिस का मतलब क्या होता है कि कुछ नुकसान टाइप, कुछ नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ से क्या होगा, अगर कंट्री को कुछ नुकसान हो रहा है, किस लिए नुकसान हो रहा है। ऑप्शन ए दिया है, फेलर इन पास्ट एक्ट। बी क्या है, रॉन्ग डीड्स परफॉर्म विदाउट प्रॉपर नॉलेज। और सी क्या है, कंप्लीट सरेंडर टू एनी वन गोल। और डी क्या है, डायरेक्टिंग मेंटल एनर्जी टू द राइट डेस्टिनेशन। इसका फोर्थ फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड क्वेश्चन में जो नेगेटिव पूछा है ना कि अगर द कंट्री में पेरिस, यानी अगर कंट्री को कोई नुकसान हो रहा तो क्यों हो रहा है, तो ऑप्शन बी क्या है, रॉन्ग डीड्स परफॉर्म विदाउट प्रॉपर नॉलेज, यानी भी कोई भी एक्शन परफॉर्म करना विदाउट नॉलेज का, ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे जो आंसर हैं आप पैसेज में पढ़ेंगे तो आपको जो है समझ में आएगा। ओके क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, द ऑथर कंसिडर एवरी वन टू बी व्हीकल डैट नोज हाउ टू गो फॉरवर्ड। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यानी कि द ऑथर कंसिडर एवरी वन टू बी व्हीकल नोज हाउ टू फॉरवर्ड, यानी कि ऑथर इसमें बोल रहा है कि नहीं होता, सभी लोग जो है एक व्हीकल की तरह हैं और लोग ये सोचते हैं कि वो कैसे आगे बढ़े, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, हाउ टू गो फॉरवर्ड। इसका क्या है, विदाउट ड्राइविंग एनर्जी, विदाउट रिस्क कंसिडरेशन फॉर अदर्स, विदाउट नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। देखिए अभी मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जो माइंड का जो पूरा पैसेज है, माइंड को, माइंड की जो एनर्जी है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको सही डायरेक्शन में कैसे लगाया जाए इसके ऊपर है। यानी यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या होगा, विथ नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि लोग आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि आगे बढ़ क्यों रहे हैं। होता है ना कि लोग भीड़ का तो चाल बन रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, इसका मतलब ये है, विथ नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। ये पूरा पैसेज जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अब देखिए, हम लोगों ने रीड किया था, मैंने कई बार बताया भी कि इसमें जो है मेन मेन थीम क्या है। तो इसका जो मेन थीम है वो क्या है, बी वाला, चैनल, बी वाला आंसर है चैनलाइजेशन ऑफ मेंटल एनर्जी। मैं थोड़ा पहले भी बोला था कि मेंटल एनर्जी जो का जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए, पूरा पैसेज इसके ऊपर है। तो ये अभी हम लोगों ने, जैसे नॉर्मली हम लोग अभी तक पैसेज सॉल्व करते हैं तो उसमें ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह का आंसर मिल भी जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी को समझ में आया नॉर्मल मेथड कैसे होता है? जैसे हम लोग एक बार पैसेज तो पढ़े, फिर इसको जो है उसका आंसर स्टार्ट कर लिखे, सभी लोग ये समझ में आया पहला वाला पैसेज? हेलो, पूजा जी, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी सर समझ में आया। देखिए, नॉर्मल तरीके से अभी तक हम लोगों ने कैसे नॉर्मली तरीके से जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं पैसेज, वैसे मैं बता रहा हूँ। एक नहीं होता कि एक माइंडसेट दे रहा हूँ कि कैसे चीजों को देखा जाए, कंडीशनिंग कर देना आपके अंदर। बाकी तो स्पीड वगैरह कैसे तेज होता है तो प्रैक्टिस सही आता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। मेरा यहाँ पे आने का उद्देश्य यह है कि आपको ट्रिक बता दिया जाए और एक माइंडसेट बना दिया जाए कि कैसे चीजों को देखा जाता है। बाकी आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अब जैसे प्रैक्टिस पैसेज सेकंड, प्रैक्टिस सेकंड वाला पैसेज क्या है? अब देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने पूरा पैसेज वगैरह पढ़ा है, पूरा पैसेज पढ़ा। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास टाइम कम है, अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को ही देख लिया जाए एक बार, इसको भी, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्टली आंसर मिल जाएंगे। तो अब जो मैं यहाँ पर ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया क्लास लेने के लिए, अब मैं उसको बताने जा रहा हूँ। जैसे होता क्या है कि अभी तक हम लोगों ने पूरा पैसेज पढ़ा, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन वगैरह दिया गया है, क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर जो है पैसेज में से निकालेंगे। मतलब पहले क्वेश्चन को पढ़ना, फिर पैसेज जहाँ पे दिया रहेगा उसका आंसर डायरेक्टली निकाल लेंगे। यानी कि अभी तक हम लोगों ने पूरा पैसेज पढ़ रहा था, जो कि बचपन से ही स्कूल में सिखाया जाता है, पहले पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ लो, समझ लो बढ़िया से, इसके बाद लिखो बढ़िया से। बट अब हम लोग नेट जेआरएफ में है तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और कुछ कीवर्ड्स हैं, और जो कुछ कीवर्ड्स हैं उसको हम लोग माइंड में रखेंगे। बहुत लोग क्या होता है कि कीवर्ड्स वगैरह लिखते तो हैं बट भूल जाते हैं। तो एग्जाम के समय आप ये भी कर सकते हैं कि जो अभी जैसे हम लोग जो कीवर्ड्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे उसको आप एक कॉपी पे भी लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे आप कीवर्ड को कॉपी पे, जितने भी कीवर्ड्स हैं यानी कि जितने भी क्वेश्चन में, हर हर क्वेश्चन में एक कीवर्ड्स होता है, अभी मैं बताऊंगा कि वो कीवर्ड्स क्या है, उसके द्वारा हम कैसे चीज़ों को पकड़ सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में कीवर्ड्स होता है, आप जो है उसको जो है कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नोट डाउन करने में। सिंपल सिंपल वर्ड्स उसको नोट डाउन करेंगे, फिर डायरेक्टली पैसेज में आएंगे, पैसेज में पैसेज को एक साथ पढ़ते चले जाएंगे और जो जो कीवर्ड है उसके सामने लिखते जाएंगे। इससे आसानी क्या रहेगी, इससे आसानी यह रहेगा कि जब बहुत बड़े पैसेज का जो माइंड में होता है ना, बना रहता है, हवा बना रहता है, वो दूर हो जाएगा। क्योंकि हम जब पैसेज देखते हैं तो हमें देखते हैं फिर भी नहीं दिखता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो हम एक टेक्निक ये अपना सकते हैं कि कुछ कीवर्ड लिख लेंगे जल्दी जल्दी, और उसके सामने जो है जब पूरा पैसेज जो है रीड वगैरह करेंगे तो जो जो आता जाएगा क्वेश्चन में, इससे क्या होगा कि डायरेक्टली एक ही साथ सभी क्वेश्चन हो भी जाएगा। और जब एक साथ सभी क्वेश्चन हो जाएगा तो आप एग्जाम में जो है बस आपको टिक करना रहेगा। तो अब ये मेन पॉइंट, अब यहाँ पे पैसे क्लास लेने का जो था उसका मेन पॉइंट ये आ चुका है कि हम लोग जो क्वेश्चन को पढ़ेंगे डायरेक्टली, अब क्वेश्चन को पढ़ के कीवर्ड्स निकालेंगे और कीवर्ड्स जब उसको लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। बहुत लोगों को याद भी रहता है, जो याद कर सकते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो है सभी क्वेश्चन को, मेरा ये प्रयास है ना कि जितने भी क्वेश्चन है आते हैं पैसे में, मान लीजिए 9 या 10 क्वेश्चन जो भी आते हैं उनको क्या करना है, आपको कीवर्ड लिख लेना, नहीं तो पता चला अलग अलग के लिए अलग अलग थोड़ा टाइम लग सकता है। ऐसे लिख लेंगे तो एक रहेगा, फिर आप सर्च करेंगे जो जो मिलता जाएगा उसको लिख के चले जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, हाउ डज शांति निकेतन स्कूल स्टार्ट? यानी अब शांति स्कूल एक ना शांति स्कूल के बारे में, ठीक, इसमें कीवर्ड क्या हो गया, शांति निकेतन स्कूल हो गया, ठीक। और 8 वाला क्या है, राइट द सब्जेक्ट विच इज मोस्ट प्रिफर्ड बाई द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स क्या होगा, प्रिफर्ड, मोस्ट प्रिफर्ड, ये लिख सकते हैं हम लोग एक नो कॉपी पे, मोस्ट प्रिफर्ड लिख सकते हैं। ऊपर वाले में क्या था, शांति निकेतन स्कूल, और एस लिख दीजिएगा, पूरा मत लिखिए, शांति निकेतन लिख दीजिए और एस एस टी लिख दीजिए, एस यानी स्कूल, टी
ये स्टार्ट हो गया। मतलब सिंपल सिंपल वर्ड में आप कीवर्ड लिख सकते हैं। 8 वाले में कीवर्ड क्या है? मोस्ट प्रिफर्ड, ठीक, मोस्ट प्रिफर्ड, और ब्रैकेट में सब्जेक्ट लिख सकते हैं। 9th वाले में क्या है? हु प्रोटेक्ट द स्कूल ड्यूरिंग द रायट्स टाइम। अब देखिए रायट्स यानी जो दंगा फसाद होता है उससे रिलेटेड है, तो इसको लिख सकते हैं रायट्स। लिख लीजिए प्रोटेक्ट, लिख लीजिए प्रोटेक्ट लीजिए और ब्रैकेट में रायट लिख दीजिए। सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हु इज द टीचर ऑफ संस्कृत। संस्कृत लिख के ब्रैकेट में टीचर लिख दीजिए। और 11th वाला क्या है? व्हाट इज द होप डिसाइड डिस्पाइट द कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स हो गया, कीवर्ड्स हो गया, कम्युनल राइट्स हो गया, कीवर्ड्स लिखा। और बाकी जब हम एक बार पैसेज पढ़ें उसमें भी हमें चीजें मिलती चलेंगी। और नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग कंसीडर्ड एज द मोस्ट वाइटल ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज का जो यहाँ पे मैंने आपको कुछ को हम लिखने से होता है कि मेंटली रूप से होता है ना कि फिट होते हैं। एग्जाम के समय में बहुत इतना ज्यादा फिट है कि बच जाती हैं, तो लिखने से क्या होता है? तो अब देखिए कुछ कीवर्ड हम लोगों ने याद किया था उस पर डिस्कस करते हैं। क्या है? हाउ डज द शांति निकेतन स्कूल स्टार्ट। अब शांति निकेतन स्कूल स्टार्ट की बात किया जा रहा है तो देखेंगे शांति निकेतन स्कूल स्टार्ट कहाँ पे लिखा है। देखिए पहली लाइन में लिखा है ईच डे एट शांति निकेतन द स्कूल स्टार्ट विथ सरस्वती वंदना, यानी कि जो शांति निकेतन स्कूल वगैरह है वहाँ पे जो क्लास वगैरह स्टार्ट होने से पहले क्या होता है? सरस्वती वंदना। ठीक, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे सरस्वती वंदना हो गया, इसको लिख सकते हैं सिंपल शॉर्ट में। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कीवर्ड क्या था? मोस्ट प्रिफर्ड बाय द सब्जेक्ट। मोस्ट प्रिफर्ड सब्जेक्ट की बात हो रही है, कीवर्ड क्या है? मोस्ट प्रिफर्ड सब्जेक्ट। तब इसमें हम लोग सर्च करेंगे कि मोस्ट प्रिफर्ड सब्जेक्ट कहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? मोस्ट प्रिफर्ड सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा गया ना, संस्कृत इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट, यानी मोस्ट प्रिफर्ड सब्जेक्ट की बात किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि मोस्ट प्रिफर्ड वही होगा जिसमें बच्चे ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे जो बात किया गया है संस्कृत की बात किया गया है। ठीक, यहाँ पे किस सब्जेक्ट की बात किया गया? संस्कृत की बात किया, यानी 8 का जो राइट आंसर वह क्या है? सी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट पे आते हैं, हु प्रोटेक्ट द स्कूल ड्यूरिंग द रायट्स टाइम, यानी कि जब दंगा वगैरह होता तो स्कूल को कौन बचाता है, मतलब स्कूल को। तो यहाँ पे देंगे, अब देखिए यहाँ पे वर्ड मिला क्या था? रायट्स, रायट्स और प्रोटेक्ट वगैरह, प्रोटेक्ट है और ब्रैकेट में मैंने लिखा था रायट्स। अब देखते हैं ये वर्ड कहाँ पे है, तो हम लोग इसको देखते चलेंगे एक बार सारी चीज़ों को। तो कहाँ पे दिया गया है? ओके, संस्कृत इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट, ये हो गया स्टूडेंट हाई स्कूल। देखिए देखिए यहाँ पे लिखा ना वेन रायोट्स, देखिए मैंने बोला था यहाँ पे देखिए मिल गया, वेन रायोट्स इन्वॉल्व इन्वॉल्विंग द मुस्लिम ऑफ जौनपुर एंड द हिंदू ऑफ नियर बाई ये पार्क अफेक्टेड द लोकेलिटी, हिंदू स्टार्टेड मर्जिंग टोटली जो है स्टूडेंट। यहाँ पे कहाँ गया? हाँ ये तो है, बट वेन रायोट्स इन्वॉल्व इन द मुस्लिम एंड जोहापुरा एंड द हिंदूज ऑफ नियर बाई जीवराज पार्क वेलम इफेक्टेड द लोकल हिंदू स्टार्टिंग मर्जिंग टूडे ऑल स्टूडेंट आर मुस्लिम एंड द स्कूल इज अनपैरेलल्ड एग्जाम्पल ऑफ हारमोनी इन। तो यहाँ पे क्या बात किया गया था? वेन हु प्रोटेक्ट द स्कूल ड्यूरिंग द रायोट्स टाइम, यानी कि अब कभी 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 अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे संस्कृत स्कूल की भी बात किया जा रहा है। अब संस्कृत स्कूल में अगर हिंदू प्रोटेक्ट करेगा तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस वगैरह नहीं दिया जाएगा, दिया जाता, मतलब वो नॉर्मली माना जाता है। बट अगर संस्कृत स्कूल में अगर कोई मुस्लिम, क्योंकि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की ही बात किया गया है, तो यहाँ पे जो हिंदू और मुस्लिम की बात किया गया है यानी कि ये क्वेश्चन बनाने वाला जो है क्या मांग रहा है, लोकल मुस्लिम यहाँ पे जो राइट्स वगैरह होते हैं उसमें क्या है कि मतलब स्कूल को कौन बचाता है? लोकल मुस्लिम वगैरह जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन वगैरह की बात ही नहीं है, पॉलिटिशियन की बात ही नहीं, हिंदू और लोकल मुस्लिम की अभी हम लोगों ने बात किया था। तो हिंदू हिंदू अगर संस्कृत यूनिवर्सिटी को बचा रहा है तो एक तो नॉर्मल माना जाएगा कि हाँ भाई संस्कृत अपना है तो बता रहा है ठीक, बट अगर कोई मुस्लिम अगर वो कर पा रहा है तो एक कुछ अलग हुआ। तो इसका जो बी ऑप्शन क्या है? लोकल मुस्लिम, इसका जो राइट आंसर है। तो ऐसे हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द टीचर ऑफ संस्कृत। अब देखिए संस्कृत के टीचर के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया था कीवर्ड्स क्या होते हैं। टीचर हो गया आपका ये जो टीचर संस्कृत, जो कुछ कीवर्ड संस्कृत टीचर के बारे में कहाँ बताया गया है। यहाँ पे हम लोग एक बार पैसेज को ध्यान से स्टार्टिंग में लाइन बाय लाइन देखते चलेंगे तो चीज़ें हमें समझ आएंगी। यहाँ पे इन 2002 वेने से
सेक्शन ऑफ इंप्लीमेंट मुस्लिम मार्टेड स्कूल द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट इज टू लॉ बिहाइंड शांति के प्रिंसिपल सेड दैट। यहाँ पे ऐसे हम लोग इस पर से देखते चलेगा, जरूरी नहीं पूरा पढ़ाई जाए। ओके, संस्कृत के टीचर कहाँ पे इसमें ना पड़ रहा है, लास्ट लाइन के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है। पे लिखा हुआ देखिए, हुसैना मंसूरी, ये जो संस्कृत के टीचर वगैरह हैं जो कि मुस्लिम है। यहाँ पे हम लोग को ये वर्ड मिला संस्कृत के जो टीचर कौन है, सी द राइट आंसर। तो ऐसे आपको ओवर नहीं होता, चीज देखते चलना है, और जो पॉइंट अगर हम लोगों ने लिखा है उसके सामने जो जो आंसर मिलता चला जाएगा उसके सामने आप लिखते चले जाइए, और फिर जब पूरा आंसर कंप्लीट हो जाए इसके बाद क्या हमें डायरेक्टली टिक कर देना है। आते हैं 11 पे, व्हाट इज द होप डिस्पाइट द कम्युनल राइट्स। अब देखिए कम्युनल राइट्स की बात हो रही है, तो कम्युनल राइट्स में क्या होता है, हिंदूज एंड मुस्लिम कैन लिव साइड बाई साइड। क्या कब कोई जब दंगे वगैरह होते हैं तो क्या दोनों साथ रह सकते हैं, रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहते। वली हिंदू कैन लिव, हिंदू एंड मुस्लिम कैन नॉट लिव साइड बाई साइड। अब देखिए कम्युनल राइट्स जरूरी नहीं कि कम्युनल राइट्स कराए तो पैसेज में दूसरा ही दिया होगा, जो बहुत सारी जो सेम होती हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे क्या एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे अगर अष्टांग योग के बारे में किसी भी पैसेज में वर्णन है, अष्टांग योग 8 प्रकार का होता है, सीक्वेंस वगैरह अगर उसमें पूछा है, मान लीजिए अष्टांग योग का कभी सीक्वेंस वगैरह पूछ दिया है, चौथे नंबर पे कौन है, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तो जो चौथे नंबर पर यानी कि आसन प्राणायाम, आसन प्राणायाम यानी चौथे नंबर पे प्राणायाम है, तो होती है कुछ उसमें हो जाएगा। अष्टांग योग जो मासिक पत्रिका लिख रहे हैं वो सेम एज इट इज रहेगा, बाकी चीजें चेंजिंग होती बहुत। अगर मान ली एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहां पे दिया है श्री राम के पिता दशरथ जी था, नहीं कि पेरेंट्स को दूसरा आएगा, तो बहुत सारी चीजें सेम रहती हैं उसको एज इज हमें कि दूसरा दे देगा कि भगवान राम के पिता ये थे, इन सारी चीजों को भी देख रहा है। हाँ, राइट्स की बोल रहे हैं, मतलब कम्युनल राइट होता है यानी कि नहीं सॉरी सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, सर, पहुंच रही है बट वो अभी पहुंच ब्रेक रहा है हो कि गई नहीं। बीच बीच में। हाँ जी, हाँ जी, अभी क्लियर है। ओके, तो मैं ये बोला था कि कोई भी चीज शाश्वत रहती है, जैसे भगवान श्री राम के पिता का नाम राजा दशरथ है तो दशरथ ही रहेगा, पैसेज वाला ऐसा नहीं कर देगा कि वो महर्षि वशिष्ठ कर देगा। जो चीजें शाश्वत रहती हैं, जो चीजें बिल्कुल सही है, अगर उससे रिलेटेड पैसेज है तो आपको जरूरी नहीं कि उसको पढ़ा ही जाए। लोग कहते हैं बिना पढ़े मत करना पैसेज, जरूरी नहीं है, क्योंकि अष्टांग योग के बारे में मैंने बताया ना, अष्टांग योग का चौथा अंग प्राणायाम ही है, उसमें ऐसा नहीं कर देगा चेंजिंग कर देगा, बस जो चीजें सेम शाश्वत हैं उसको एजिटी देखना है, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर भी किया हूँ, उसमें अष्टांग योग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हमें याद है तो हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 भी आ चुका है, व्हाट इज द होप डिस्पाइट द कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स की बात हो रही है, तो कम्युनल राइट्स होता क्या है कि दो धर्म के बीच जो नहीं होता है कि दंगा वगैरह हो जाता है, उसको बोलते हैं कम्युनल राइट्स। अब इसमें ऐसा नहीं आप हिंदू मुस्लिम साथ साथ रख देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, हिंदू एंड मुस्लिम कैन नॉट लिव साइड बाई साइड, जिसको बोलते हैं कम्युनल राइट्स। तो यानी जो चीजें शाश्वत हैं उसको हमें टिक लगा देना, ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा ही पढ़ना रहेगा। और बाकी जो चीजें नहीं याद आ रही तो हम लोग कुछ कीवर्ड्स को देखेंगे और डायरेक्टली जो है एक बार पैसेज को देखते चलेंगे और जो जो चीजें मिलते चलेंगे उसको जो है लिखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। अब मोस्ट सुटेबल टाइटल की बात हो रही है, देखिए इसमें कम्युनल की बात हो रही है, कम्युनल यानी कि जो अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग हैं, तो इसमें कम्युनल हारमोनी की बात होगी। क्योंकि पैसेज देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो पूरा पैसेज होता है वो नहीं होता कि एक सकारात्मक संदेश को ही पूरा ओवरऑल निकालता है, ऐसा नहीं कोई भड़काने वाला बयान दे देगा। तो यहाँ पे क्या है, कम्युनल हारमोनी ए लाइव एग्जाम्पल, यानी हारमोनी बना के रखना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। और बाकी समय देखिए तो मोस्टली जो है निगेटिव वर्ड मिलेंगे, जैसे बी और डी हो गया आपका राइटिंग एंड कम्युनल हारमोनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो हारमोनी की बात किया जा रहा है, एक लाइव एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है आपको कि हाँ देखिए मुस्लिम वगैरह, लाइव एग्जाम्पल मतलब कि अभी थोड़ी देर हम लोगों ने पहले पढ़ा ना कि शांति निकेतन जो है संस्कृत का एक कॉलेज है, वहाँ पे क्या है कि मुस्लिम वगैरह जो
जो संस्कृत की टीचर है वो मुस्लिम है, यहाँ पे एक हार्मोनी की बात किया जा रहा है। तो एक पैसेज का जो पूरा एक कंक्लूजन है क्या है कि याद रखिए कि पैसेज हमेशा सकारात्मक चीज़ों को ही लेके आता है, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं कि कोई निगेटिव चीज़ों को लेके आए। पैसेज का जो पूरा सार तत्व होता है, जैसे एक मूवी होती है ना, स्टार्टिंग में भी निगेटिव आता है, बीच में भी निगेटिव रहता है, लेकिन जो लास्ट में एंडिंग होता है ना, पूरा एक सकारात्मक तरीके से विलेन हार जाता है, हीरो जीत जाता है। तो ये सारी चीजें यानी कि एक सकारात्मक तरीके से एंडिंग होती है। तो बी और सी तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, बचा ए और सी में। तो एक एक कम्युनल हारमोनी की बात किया जा रहा है, इसलिए जो है ए को हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, ए लाइफ सर एग्जाम्पल है। सर तो सॉरी यह टू इंटरप्ट, विशाल बोल रहा था। अरे जो 11th नंबर का जो क्वेश्चन आपने भी सॉल्व किया है, तो हिंदू एंड मुस्लिम कैन नॉट लाइव साइड बाय साइड, तो इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, प्लीज एक बार आप फिर देखेंगे इसे। जी बिल्कुल देख रहा हूँ। 11 वाला क्या है, देखिए 11/11 वाले में क्या है, व्हाट इज द होप डिस्पाइट द कम्युनल राइट। मैं इसमें ये बता रहा था, जैसे ये बता रहा कि बहुत सारी चीजें जो है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि राइट्स का मतलब क्या है, नेगेटिव से सारी चीजें हैं। इतना समझ में आया जी सर, आपको? जी जी सर, तो मैं ये बोल रहा था कि कभी कभी मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जो पैसेज वगैरह होते हैं, जैसे उसमें क्या है कि अष्टांग योग के बारे में बताया अगर जा रहा है, अष्टांग योग को चौथा अगर पूछा है, चौथा पार्ट कौन सा, तो बताइए अष्टांग योग का चौथा पार्ट कौन सा है, फोर्थ लिंब ऑफ द अष्टांग योग। प्राणायाम। हेलो, प्राणायाम। ठीक, अगर पैसेज में ही पूछेगा कि भगवान श्री राम के पिता का नाम क्या है, तब क्या जी बताएंगे सर, आप? सुना नहीं, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना, एक बार फिर बोलिएगा। जैसे मान लीजिए पैसेज में पूछ रहा है कि भगवान श्री राम के पिता का नाम क्या है, फिर आप क्या बताएंगे? दशरथ जी, ठीक, तो मैं ये बोला था कि जो चीजें नहीं साफ स्पष्ट है, जैसे मान लीजिए अष्टांग योग जो बता दिया गया, तो उसमें तो कोई फेर बदल करेगा एग्जामिनर। ठीक, और भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ थे, तो उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं करेगा। मैं नहीं बोला हूँ कि आप पढ़िएगा मत, मैं ये बोला हूँ कि जब टाइम कम रहता है तो ऐसे चीजों को देखा जाता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कम्युनल राइट वगैरह है, इसमें राइट का मतलब क्या होता दंगे फसाद। है? दंगे फसाद होते हैं, तो जब कम्युनल के बीच होगा, यानी कि जब दो लोगों के बीच होगा, तो क्या दोनों लोगों को साथ रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए? सर इसका आंसर ए होगा, क्योंकि उन्होंने होप हाँ पूछा है कि इसमें हाँ होप क्या है, दैट्स व्हाई इसलिए इसका आई आंसर ए एम होना हाँ चाहिए सॉरी सॉरी सर। हाँ सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। होप हाँ, दैट्स व्हाई होप आई एम है, इसका आस्किंग। मतलब ऑप्शन ए होगा। ठीक हाँ सर, है इसीलिए सॉरी, मैंने उसके लिए मैं सॉरी, थोड़ा नहीं सा मैं डोंट बी सॉरी, मुझे लगा कि शायद मुझसे कुछ गलती हुई है समझने में, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। नहीं, जैसे मैं कम्युनल राइट्स के बारे में बताया था ना, नेगेटिव होता है, तो अगर कम्युनल अगर होप यहाँ पे नहीं रहता, तो इसका जो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, राइट, अब देन होप फिर हो सी गया, तो होता होप का मतलब ये है कि हाँ ठीक है। और तो लाइक यहाँ पे जो जैसे कम्युनल आपने जो सर पैसेज के लिए बताया ना, तो आई जस्ट रीडिंग जो आपने मुझे अभी भेजा था उसको भी मैं देख रहा था, तो उसमें जो लास्ट जो सेकंड लास्ट लाइन थी ना, तो उसमें लिखा हुआ यही चीज लिखी हुई थी कि हिंदू मुस्लिम कैन बी लिव साइड बाय साइड, हाँ, इसलिए कैन थोड़ा बी सा लिव्ड है, कंफ्यूजन हो मतलब गया। ये है होप, होप वगैरह की बात हो गया, यानी जब होप की बात हो गया, तो यानी कि एक सकारात्मक चीज आ गई। तो आप इसमें जो है ए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है, ए है। ठीक, और इसमें थैंक यू जो सर। मैंने बताया कि ओके वेलकम, इसमें जो जो कीवर्ड्स रहता क्या है, कम्युनल राइट्स वगैरह याद रखे गया है, और इसमें पैसेज वगैरह का जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि इसका कम्युनल हार्मोनी की बात किया जा रहा है। ठीक, ये सभी को समझ में आया, इसमें कीवर्ड्स कैसे हो देखा जाता है और कैसे पैसेज में खोजा जाता है, सभी को समझ में आ रहा है? अभी दो दो पैसेज और अभी हम लोग करेंगे आगे। यहाँ तक सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ ले, फिर हम लोग आगे बढ़े। जी जी सर, आए सर। ओके, एक बार लोगों को थोड़ा फीडबैक दे दीजिए। आप जो भी बोल रहे थे, आपका तो नाम नहीं पता मुझे, एक बार लोगों का फीडबैक देख लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार सभी लोग फीडबैक दे दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। सभी लोग का फीडबैक आ रहा है? अगर किसी को नहीं भी समझ में आया अभी तक, तो एक बार आप पूछ सकते हैं, आप जी फ्री सर, हैं। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूं। देखिए मेरा यहाँ पर आन को क्लास लेने का उद्देश्य ये था कि हम लोग कुछ कीवर्ड्स को देखते हैं, उसके द्वारा हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ये मेरा उद्देश्य बताना। बाकी आप लोग प्रैक्टिस वगैरह जैसे करें तो स्पीड वगैरह बढ़ती जाएगी। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला था कि यहाँ पे कुछ कीवर्ड है, शांति निकेतन आप लिख सकते हैं, शांति निकेतन स्कूल की बात हो रही थी, शांति निकेतन स्कूल।
ये कुछ कीवर्ड्स हो गए, इसमें लिख सकते हैं। और क्वेश्चन 8 में क्या था कि मोस्ट प्रिफर्ड सब्जेक्ट, मोस्ट प्रिफर्ड सब्जेक्ट की बात किया जा रहा है। मोस्ट प्रिफर्ड सब्जेक्ट उसी को बोलेंगे जिसको बच्चे जो है ज़्यादा लाइक करते हैं। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स क्या हो गया, मोस्ट प्रिफर्ड हो गया, ठीक, यहाँ पे ये हो गया। और जो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हु प्रोटेक्ट द स्कूल ड्यूरिंग द रायोट्स टाइम, यानी कि दंगा वगैरह के समय में रायोट्स टाइम जो है, रायोट्स वगैरह टाइम, मतलब इसमें जो कीवर्ड्स हैं क्या है, रायोट्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हु इज द टीचर संस्कृत का टीचर, तो आप लिख सकते हैं संस्कृत टीचर, अब जो नहीं होता पेज वगैरह पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ऐसे हुई दिया है तो व्हाट द, तो इसको तो देखिए कॉमन सेंस से भी निकल सकता है। अगर आप लोगों ने लिखा भी हिंदी मुश्किल है समझ नहीं आ रहा सर, कि यहाँ बहुत बड़ा पे ब्रेक हुआ हर वॉइस, सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आई एम रियली सॉरी। अभी सभी का मैसेज हेलो भी आ रहा है कि उनको आपकी वॉइस जो है ब्रेक होके आ रही है। हाँ पूजा जी, भी मैं थोड़ी देर पहले जब बता रहा था कीवर्ड्स वाला, तो उस समय पहुंच रहा था आवाज। सर, जी, तब तो ठीक था। हाँ जी, ओके, अभी अभी मेरी आवाज इंप्रूव हुआ कि अभी वैसे ही है? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। सभी लोगों से सॉरी चाहूंगा, क्योंकि नेटवर्क इसमें हमारे यहाँ रहता है, तो थोड़ा सा आप सभी को इट्स ओके सर, सॉरी कोई बात नहीं, नेटवर्क का तो हमारे अंदर कंट्रोल नहीं होता ना, हम उसको बट कंट्रोल कर लेते हैं हम सब ये तो। सभी लोग को भरोसा पक्का दे रहा हूँ कि आज का क्लास बेकार नहीं जाएगा। बिल्कुल आप लोग एकदम कीवर्ड बता दीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम लोगों का काम क्या है कि कुछ कीवर्ड्स बता देना, प्रैक्टिस तो आप लोगों को ही करना, क्योंकि पैसे में खुद से ही प्रैक्टिस मांगता है। ठीक, ओके, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था कि यहाँ पे होप होप डिस्पाइट द क्रिमिनल राइट्स की बात किया गया, यानी कि क्रिमिनल राइट्स वगैरह, जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोगों ने देखा भी कि हिंदू मुस्लिम वगैरह की बात हो रही है, और यहाँ पे होप लिख दिया गया है। तो थोड़ा सा अगर चीज़ों को देखेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस वगैरह भी लगा देंगे, तो यहाँ से हम ये समझ में आ जाएगा हिंदू एंड मुस्लिम कैन लिव साइड बाई साइड। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लिख दीजिएगा क्रिमिनल राइट्स और ब्रैकेट में होप लिख दीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में। ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसके द्वारा हम जो है क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका कीवर्ड्स मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12 टाइटल पूछा है, टाइटल के बारे में भी क्या है, टाइटल कैसे समझे, टाइटल में क्या है कि बारह जैसे साथ में रीड करते चलेंगे ना, जब स्टार्टिंग मैंने जो कीवर्ड्स बताया है उसके साथ साथ क्या है, एक बार चीज़ों को आप देखते चलेंगे तो उसमें जो एक समझ में आ जाता है कि हाँ कीवर्ड्स क्या है, मतलब उस टाइटल वगैरह क्या है। तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि क्या क्या जो है, मालिक आप एग्जाम में जाएंगे तो एक आपको पेन मिलेगा और पेज मिलेगा, उस पर क्या है कि आप जब पैसे देखेंगे तो उस पर जैसे मैंने बताया ना कि कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं, और बहुत लोग ये पूछेंगे कि कीवर्ड्स आपको कैसे पता, कीवर्ड्स कैसे आते हैं, तो जब आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके माइंड में ये रहेगा कि हाँ इससे रिलेटेड ये वर्ड है, इससे रिलेटेड मुझे पैसेज में खोजना है। जैसे आप जितना प्रैक्टिस करने जाएंगे तो पूछेगा ना कि हु इज द फादर ऑफ लॉर्ड रामा, तो फिर हम लोग उसमें कीवर्ड्स क्या मिला कि लॉर्ड रामा और ब्रैकेट में लिख देंगे फादर। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो चीज़ें हमारे मन में जो है ऑटोमेटिकली आती चली जाएंगी कि हाँ वो कीवर्ड्स क्या होता है। इसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो बस वही है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं होता है, अंदर से निकल के आती हैं, वो भी सही होता है। और एक इससे रिलेटेड एक ट्रिक और बताऊँ कि कभी भी आप एग्जाम देने जाएँ तो आपको जो पहला आंसर लगे सही है, वो मैं मोस्टली देखा, मैंने भी सैंपल पेपर किया, जो अंदर से लगे कि पहला आंसर जो माइंड में क्लिक किया उस पर टिक लगा सकते हैं, सही होता मोस्टली। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इन सारी ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है एग्जाम में, कि आपके मन में जो पहला आंसर आया, जो हृदय में पहला आंसर आया कि हाँ ऑप्शन सी होना चाहिए, तो फिर दूसरे मत देखिए उसी को मारिए, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि कैसे कुछ कीवर्ड्स को देखते हैं, कुछ कीवर्ड्स को मैंने लिखा, और पैसेज को हम लोग स्टार्टिंग में पैसेज को पढ़ते चले जाएंगे, और जो जो आंसर मिलते जाएंगे, जो कीवर्ड्स लिखे हैं उसके सामने जो है आंसर वगैरह हम लोग लिखते चले जाएंगे। और फिर क्या होगा, जब सभी आंसर मिल जाएंगे, यानी 10 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब जल्दी टिक कर देंगे। क्योंकि तो ऐसे रहता है एग्जाम, इतना प्रेशर रहता है ना कि सामने से जो है सामने चीजें लिखा रहेगा कि 1,000 लिखा हुआ है, लेकिन ये चीजें समझ में नहीं आएगा। अष्टांग योग लिखा रहेगा कि एक लिम्स होते हैं लेकिन वो में साथ ही दिखता है, एग्जाम इतना ज्यादा प्रेशर होता है। तो ऐसे लिखने से क्या होता है, चीजें आसान होती है। कीवर्ड्स लिख दीजिए, पैसेज को पढ़ना नहीं है पूरा एकदम, एक एक लाइन को मिलाकर नहीं अर्थ निकालना हमें है, हमें कम समय रहता है, कम समय में निकालना है।
तो हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना, कीवर्ड्स के लिए जो जो आंसर मिलते चले जाएंगे उसको जो है लिखते चले जाना है। तो ये मैंने बताया कैसे इसका, कैसे इसमें जो है कीवर्ड्स यूज किया जाता है। आई थिंक मोस्टली लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सभी को समझ में आया कि मैं जो कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ, कैसे देखा जाए चीज़ों को, कैसे अपना नजरिया बदला जाए, ये सभी को समझ में आ रहा है। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार दोबारा पूछ ले, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सभी को समझ में आ रहा है फीडबैक? जी सर, जी सर, क्योंकि देखिए मेरा, देखिए पैसेज वगैरह में क्या है कि पैसेज वगैरह में टीचर क्या होता है कि जैसे हम लोगों को भी जो टीचर ने कराया था तो एक माइंडसेट दिया था कि आपको ऐसे करना। फिर मैंने क्या किया, मैंने उस तरीके से बहुत सारे प्रैक्टिस की। जैसे मुझे टीचर ने बता दिया था कि देखो प्रणव ऐसे कीवर्ड्स को देखा जाता है। यार राहुल जी, हम राहुल, मैं और राहुल जी दोनों लोग जो है मतलब जब पढ़ते थे तो ऐसे ही टीचर ने हम लोग को भी बताया था कि देखो आप लोगों को ऐसे देखना है। बाकी लोगों ने प्रैक्टिस किया तो और प्रैक्टिस करते करते चीजें जो है और ज्यादा माइंड क्लियर होता चला गया। तो आप 50-60 जैसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप लोग जो है इतना नहीं होता है कि कैपेबल हो जाएंगे कि दूसरे को आराम से समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे मेरा बताने का बस ये उद्देश्य, कीवर्ड को कैसे देखा जाए और चीज़ों को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करना जाए, किया जाए। हमें पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, हमें जो है सिर्फ क्वेश्चन वगैरह को पढ़ के वहाँ से कीवर्ड्स को उठाना है, उसको लिखना है। जितने भी क्वेश्चन है सबके कीवर्ड्स को लिख के फिर सामने जो है जल्द सामने जो है एक बार पैसेज से जो है नहीं ओवर देखते चला देखना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे पढ़ना क्या है उसको रीडिंग वगैरह करते चलिए और जो जो आंसर आपको मिलता है चला जाए जो है उसको जो है सामने लिखते चलिए। जब पूरा आंसर मिल जाएगा इसके बाद क्या है, उसके बाद जो आप टिक कर दीजिए जल्दी से, आपका जो है 10 नंबर मिल गया आराम से। 5 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रहेगा तो आराम से 30 नंबर मिल जाएगा आराम से आपको। अब आते हैं पैसेज, थर्ड पैसेज यहाँ पे दिया गया है। थर्ड पैसेज में क्या है देखिए, इसमें भी ये तो मान लीजिए पैसेज छोटा है, इसमें से आप अगर पढ़ेंगे तो कोई बहुत ज्यादा टाइम वगैरह भी नहीं लगेगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट हैव द रिलीजियस टीचर टॉट इन द पास्ट? पास्ट में जो है रिलीजियस टीचर ने क्या पढ़ाया था, व्हाट हैव द रिलीजियस टीचर टॉट इन द पास्ट? अब देखिए रिलीजियस टीचर आ गया, लिख दीजिए रिलीजियस टीचर यानी कि RT, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, टी लिख दीजिए, टॉट TA लिख दीजिए। तो एक कुछ कीवर्ड्स हो गए। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द फूड फॉर सोल? लिख लीजिएगा सोल और ब्रैकेट में फूड लिख दीजिएगा, कुछ कीवर्ड्स हैं। और फिर 15 में लिखिए द फॉलोइंग फिलोसफर आर मेंशन इन द पैराग्राफ। अब देखिए अब इसको जो है फिलोसफर लिख दीजिए, फिलोसफर नेम, फिलोसफर नेम जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो फिलोसफर का नेम अगर आता जाएगा उसको आप जो है लिखते चलिएगा। यहाँ पे दिया गया है 16 क्या है, इंटेलेक्चुअल परसुइट हैव बीन निगलेक्टेड बिकॉज। अब देखिए इसमें कीवर्ड क्या है, इंटेलेक्चुअल परसुइट, ये वर्ड दिया गया है पैसेज में आप पढ़ेंगे तो ये वर्ड दिया गया है, इंटेलेक्चुअल परसुइट के बारे में दिया गया है। ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो जिसको आपको लिखना है, कॉपी पे लिख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द स्टाइल ऑफ पैसेज यानी कि पैसेज क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कभी कभी कोई स्टोरी वगैरह होता है तो जैसे इस पैसेज को मैंने तो पढ़ा है पहले से तो इसमें मैं बता पा रहा हूँ। इसमें क्या है नरेट किया गया चीज़ों को लेके, मतलब एक टॉपिक वगैरह दिया गया, जब इसको पढ़ेंगे तो क्या है कि एक नहीं होता अध्यात्म वाली बातें की गई, सोल वगैरह के बारे में बताया गया, माइंड के बारे में बताया गया है, ये सारी चीज़ों के बारे में, तो उसके बारे में नरेट किया गया तो नरेटिव रहेगा। वैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ऐसे एग्जाम में मोस्टली पूछता नहीं है, तो आप बस एक बार देख लीजिएगा, पूछ देगा तो उसके लिए भी तैयार रहेगा। 18 में क्या है, विच आर द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज? तो अब देखिए टाइटल की बात होगी तो जब मान लीजिए हम लोगों ने जो कीवर्ड्स पूरा लिखा था एक बार हम लोग रीडिंग करते चलेंगे ना, तो जो जो मिलता चला जाएगा उसको हम लोग लिखते चलेंगे। तो लास्ट में ऐसा नहीं कि आप लोग पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा जो है माइंड लगा के थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड वगैरह भी लगाएंगे कुछ में क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो पैसेज वगैरह होता है, या मैंने एक मूवी का एग्जांपल दिया था कि जो एंडिंग होता है वो सकारात्मक तरीके से ही, उसका जो सार तत्व रहता है वो सकारात्मक ही निकलता है। पैसेज का मतलब हमें यहाँ पे ये एग्जाम वगैरह में जो पैसेज क्यों लिया जा रहा है, आपको रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए लिया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं। आप कितना बेहतर से बेहतर रीडिंग हैबिट आपकी है। तो जैसे हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 13 में रिलीजियस टीचर के बारे में, तो मैंने क्या बोला था इसमें कीवर्ड्स क्या है, रिलीजियस टीचर और ब्रैकेट में टॉट लिख दीजिए। अब देखिए पैसेज पे आते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे रिलीजियस टीचर, सॉरी रिलीजियस टीचर क्या कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, सम रिलीजियस लीडर्स
हैव टॉट दैट मैन इज मेड अप ऑफ बॉडी एंड सोल। देखिए मिल गया, बॉडी एंड सोल तो आप लिख सकते हैं, बॉडी प्लस सोल, जहाँ पे कीवर्ड्स लिखे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द फूड फॉर द सोल। अब देखिए फूड फॉर सोल की बात किया गया है, तो फूड फॉर सोल की बात किया गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, बट दे हैव बीन साइलेंट अबाउट इंटेलेक्ट, देयर फॉलोअर्स ट्राई टू फील द बॉडी टू अर्थ एंड सेव द सोल फ्रॉम सेव द सोल फ्रॉम पर्डिशन आफ्टर डेथ, बट दिस निगलेक्टेड द क्लेम्स ऑफ द माइंड। ब्रेथ फॉर द बॉडी यानी बॉडी के लिए ब्रेथ, एंड वर्च्यू फॉर द सोल यानी कि यहाँ पे इसका आंसर लिख लीजिएगा वर्च्यू, यहाँ पे जो कि दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 15 वाला क्या दिया गया, फिलासफर का नेम है, फिलासफर का नेम देखिए डायरेक्टली आपको मिलता चला जाएगा, जैसे से मिलता चला गया, पहले देखिए जेसस का दिया, जेसस क्रिस्ट का दिया, इनका लिख लीजिए, और गौतम बुद्ध का दिया है, इनका भी लिख सकते हैं, ऐसे से देखते चलिएगा। एसटी एम्ब्रोस का दिया है, इनका भी लिख सकते हैं, और थॉमस कैरलाइल का दिया है, यानी कि ऐसे हम लोग सीक्वेंस वगैरह ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए, क्या कीवर्ड्स हमें, कैसे कीवर्ड्स को देखा जाए, कैसे आंसर निकाला जाए। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे क्या है 16 नंबर, 16 नंबर में क्या है, इंटेलेक्चुअल परसुइट हैव बीन निगलेक्टेड बिकॉज। देखिए इंटेलेक्चुअल परसुइट हैव बीन निगलेक्टेड, जब आप सैंपल वगैरह सैंपल पेपर को पढ़ेंगे तो इसका ऑप्शन ए में मिलेगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। इसमें ये याद रखना है इंटेलेक्चुअल परसुइट का जो कीवर्ड्स है उसके सामने दे आर नेसेसरी एंड सुपर फ्लूअस। और मान लीजिए अगर हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से करें, तो आप एक बार पूरा पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको जो है ये दे मेक पीपल ड्वार्फ एंड दे लीड पीपल टू हेल, कहीं भी ड्वार्फ और हेल की बात नहीं किया गया है, कहीं भी जो है ड्वार्फ और हेल की बात नहीं किया गया है। तो ऐसे हम लोग निगलेक्ट करके जो भी जो है ए का आंसर निकाल सकते हैं, तो ऐसे एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हैं, और जो कीवर्ड्स हैं उसके द्वारा भी निकाल सकते हैं ये सारी चीजें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, द स्टाइल ऑफ द पैसेज। अब देखिए पैसेज स्टाइल वगैरह पूछा है, अब पैसेज का स्टाइल क्या हो सकता है, अब इसमें क्या किया नरेट किया गया, तो इसको नरेटिव होगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही रेयर केस में ही पूछा जाता है, सब नॉर्मली कम पूछा जाता है, जहां तक मैंने सैंपल पेपर अभी तक सॉल्व किया है। आते हैं क्वेश्चन 18 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, यानी नहीं होता पैसेज के लिए क्या टाइटल जो है मोस्ट सुटेबल है, क्वेश्चन नंबर 18। तो आप जब एक बार चीज़ों को रीड करेंगे, जब आप जो कीवर्ड्स लिखे थे उसको में एक बार आप रीडिंग करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं बताया था ना, एक तरीका और भी है कि जो आपको लगे कि पहला आंसर आ रहा है माइंड में, जो हृदय में पहला आंसर आ रहा है उसको टिक कर दीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि हर क्वेश्चन हमें नहीं आ सकता एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें हमें तुक्का लगाना ही पड़ेगा, जिसमें हमें थोड़ा सा टिक लगाना ही पड़ेगा, तो हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं कि हाँ जो पहला क्वेश्चन, जो माइंड में पहला क्वेश्चन आया, जो मन में पहला क्वेश्चन आया उसी को टिक कर दीजिए। ठीक, तो ऐसे हम लोग पैसेज को सॉल्व करते समय ये सारे कीवर्ड्स हैं जिसको हमें ध्यान देना है। अब जो एक लास्ट पैसेज है, चार पैसेज लिया हूँ, एक लास्ट तीन हो चुका है, एक लास्ट वाला क्या है, ओके लास्ट में सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैव बीन कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय अस आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए एक इसमें और ट्रिक है कि कहीं भी अगर ऑल ऑफ द अबव दिया गया है तो 90% मामलों में, ऑल ऑफ द अबव देने का मतलब 90% मामलों में ऑल ऑफ द अबव पे ही जाइएगा। ठीक, अगर यहाँ पे लिख दिया है ऑल ऑफ द अबव यानी कि हमें इसमें तो निश्चिंत होकर आराम से हम ऑल ऑफ द अबव पे कर सकते हैं, बहुत ही रेयर केस होता होगा कि जिसमें सेकेंड और थर्ड बताता होगा, बट अगर पैसेज में, पैसेज की बात कर रहा हूँ स्पेशली, अगर पैसेज में ऑल ऑफ द अबव दिया है तो हमें डी पे ही जाना है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे टिक लगा सकते हैं, इसमें कुछ कीवर्ड खोजने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज हुज इफेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज फेल्ट एट द नेशनल लेवल। इसके देखिए नेशनल लेवल की बात किया गया है, अब देखिए नेशनल लेवल पे यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, नेशनल लेवल, तो आप कॉपी पे क्या लिखिएगा, नेशनल लेवल एक कीवर्ड्स है। अब देखिए अगर हमें इसका आंसर खोजना रहेगा तो नेशनल लेवल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नेशनल लेवल कहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है एट द नेशनल लेवल देयर हैज बीन ए डेफिनेट राइज इन इग्नोरेंस टुवर्ड द एनवायरमेंट ड्यू टू द डेवलपमेंट। यानी कि अब देखिए अब जरूरी नहीं है कि अभी तक हम लोग जो है स्कूल में पढ़ रहे थे तो सेम एज इट इज आंसर लिखा रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देखिए अब इसमें कैसे निकालना है, जैसे मुझे अब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे इसका मीनिंग भी नहीं समझ में आ रहा है, बट मुझे आंसर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, ट्रिक लगाऊंगा।
बी में क्या देखिए, इन्वायरमेंट वर्ड आया है, इन्वायरमेंट, ठीक, इन्वायरमेंटल की बात हुई है, और यहाँ पे भी देखिए इन्वायरमेंटल की बात हुई है। देखिए इन्वायरमेंट की बात हुई है, टुवर्ड इन्वायरमेंट ड्यू टू द डेवलपमेंट, यानी कि एट नेशनल लेवल पे जो है इन्वायरमेंट वगैरह की बात हुई है, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या है, बी है। यहाँ पे लिया लैक ऑफ केयर एंड एक्टिविज्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट रिसोर्सेज। हमें आंसर निकालना है, ना कि उसको जो है हमें लाइन बाई लाइन समझना है। तो यहाँ पे नेशनल लेवल पे मैंने बताया कि इसका जो कीवर्ड है नेशनल लेवल है। अब देखिए नेशनल लेवल यहाँ पे लिखा भी है, इसमें एक वर्ड हमें मिला इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट जो कि यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे, और बाकी सब में दिया गया, एक बार और चेक कर लें, देखिए यहाँ पे, और बाकी जो है बाकी देखिए किसी में नहीं दिया गया इन्वायरमेंट, यानी कि एक वर्ड के द्वारा भी हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं, ऐसे जो टेक्निक होता है ये सारी चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज सिनर्जिस्टिक इंपॉर्टेंट। सिनर्जिस्टिक वर्ड लिख लीजिए, सिनर्जिस्टिक लिख लीजिए, बाकी इसके बाद हम लोग डायरेक्टली इस पे आते हैं, उसको खोजेंगे कहाँ पे दिया गया है। सिनर्जिस्टिक इंपॉर्टेंस, सिनर्जिस्टिक जो है कीवर्ड, अब इसमें हम लोग देखेंगे सिनर्जिस्टिक कहाँ पे दिया गया। देखिए यहाँ पे दिया गया सिनर्जिस्टिक इंपॉर्टेंट, आपको कीवर्ड मिला, इसमें क्या लिखा गया है, उसके पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमें थोड़ा सा भीड़ से स्मार्ट बना देते हैं, और ये हमारे स्कोर को बढ़ा देते हैं। हमें पूरा बिना पैसेज पढ़े ही, जरूरी नहीं कि हर एक, अभी देखिए मैं पूरा पैसेज पढ़ रहा हूँ, मुझे मीनिंग बिल्कुल भी नहीं पता पैसेज का, बट क्या है कि कुछ टेक्निक होता है जिसके द्वारा हम इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं। हमें एग्जाम में जो है आंसर सही देना है, ना कि वो मुझसे अर्थ नहीं पूछ रहा है, हमारे ज्ञान को नहीं चेक कर रहा है कि प्रणव जो है कितना इंग्लिश को अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, वो तो क्लास की बात होती है, उसका अलग होता है सिस्टम। हमें यहाँ पे आंसर को सही करना है। ओके, इसका हो गया। 22 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैज नॉट बीन इंक्लूडेड अमंग अमंग वेरियस टारगेट मेंशन इन द पैसेज। अब देखिए यहाँ पे टारगेट की बात किया गया है, जब भी टारगेट की बात करेगा, देखिए अब टारगेट को खोजेंगे, टारगेट वर्ड है कहाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मिल गया टारगेट, ऐसे ही हमें खोजना है। टारगेट ऑफ पॉपुलेशन दिया है, अब टारगेट ऑफ पॉपुलेशन के नीचे आएंगे, पढ़ते चलेंगे, तो नंबर ऑफ स्कूल एंड स्टूडेंट भी दिया, ठीक, इन सारी चीजों को आपको लिखते चले जाना है, जिससे जो है फिर बाद में जो है इस चीज को बार बार ना देखना पड़े। यहाँ पे दिया गया नंबर ऑफ स्कूल एंड स्टूडेंट, ये भी मिल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिफाइड विलेज हो गया, ठीक, और यहाँ फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी दिया गया है, यानी कि इसमें बच क्या रहा है, मैक्सिमम यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया, ठीक, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो गया, ये भी हो गया, ठीक, तो इसमें बच क्या रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ एक बच रहा है, यानी सी इज द राइट आंसर। एक बार पकड़ना है टारगेट जो कि कीवर्ड्स है, उसके अनुसार हमें आंसर को निकालना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। अब देखिए मोस्ट सुटेबल टाइटल की बात किया गया है, तो मैं बोला था ना कि जब हम लोग कीवर्ड्स वगैरह लिखेंगे तो एक बार पैसेज को रीडिंग वगैरह करते चलेंगे, क्योंकि रीडिंग करेंगे तभी तो जो हम लोगों ने कीवर्ड्स लिखा, जैसे जैसे आंसर मिलता चला जाएगा उसके सामने जो लिखते चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो आइडिया मिलेगा ही ना, पैसेज का कुछ ना कुछ तो आइडिया तो हमें मिलेगा ही। तो इसका जो है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। अब देखिए मोस्ट सुटेबल टाइटल की बात किया गया है, तब इसका मोस्ट सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है, स्टार्टिंग में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टार्टिंग देखिए स्टार्टिंग में क्या किया, पूरा डेवलपमेंट के बारे में बात किया, द प्रीवियस डिकेट हैज बीन रिजर्व द प्रीजम्पशन अबाउट डेवलपमेंट, यानी पूरा डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे इसका होगा कि इसका आंसर क्या होगा, मेन फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। आज जो पूरे पैसों के एक बार रीडिंग करेंगे, जैसे कीवर्ड्स वगैरह जो लिखेंगे लिखे रहेंगे, उसका आंसर खोजेंगे, तो एक माइंड में तो एक चीज बताया पता ही चल जाएगा ना किसके बारे में बात किया गया है, कुछ ना कुछ आइडिया रहेगा, उसके द्वारा हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं इसका इसका 23 का राइट आंसर क्या है, बी, मेन फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सारी चीजें। और नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज रिसोर्सेज रेदर देन एज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ दिस पैसेज, ठीक है। तो अब रिजल्ट, अब इसमें क्या है, रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब देखिए मैंने बोला था ना पैसेज में कभी भी ऑल ऑफ द अबव आएगा, तो 90% मामलों में ऑल ऑफ द अबव पे ही टिक करिए, बिल्कुल सही होता है ऑल ऑफ द अबव। वैसे भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट वाला सिचुएशन रहता है, बट अगर पैसेज में ऑल ऑफ द अबव है तो इसमें जो है डी पे ही टिक करिए, यानी कि इसमें पैसेज में आप पढ़ेंगे तो उसमें एजुकेशन की भी बात किया गया है, हेल्थ की भी बात किया गया है, प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट की बात, एम्प्लॉयमेंट की भी बात किया गया है, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। तो ये मैंने चार पैसेज लिया था आज के लिए, उम्मीद है कि जो मैं बताना चाह रहा था, कीवर्ड कैसे देखा जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे खोजा जाए, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं,
आज के लिए इतना ही। अब जो भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या मेरी आवाज सभी लोग सुन पा रहे हैं? जी प्रणव जी, आपकी वॉइस आ रही है हम सब तक। तो सभी लोग ये समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा था, कैसे चीजों को देखा जाए, ये सभी लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार फीडबैक दे दे, अगर किसी को नहीं भी समझ में आया तो पूछ।